हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट में फीड रूल्स कैसे ऑन करना है एंड इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गूगल मर्चेंट सेंटर ओपन करते हैं। गूगल मर्चेंट सेंटर, एक मिनट। ठीक है, फीड रूल्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो डेटा है स्टोर का डेटा है वो गूगल में बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। चाहे आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐड करना हो, टाइटल में ऐड करना हो, या फिर आपके प्रोडक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको और बेटर बनाने हो, तो आप फीड रूल्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड आपके गूगल मर्चेंट सेंटर का जो प्रीवियस वर्जन था उसमें बहुत ईजिली आप प्रोडक्ट पर क्लिक करें तो आपको फीड रूल्स मिल जाता था वहाँ पर। एंड मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट में यह है कि आपको यहाँ पे टर्न ऑन करना पड़ता है, फिर जो है कि आपको जो पहले जो है कि फीड रूल्स से गूगल मर्चेंट सेंटर फीड रूल्स से जाना जाता था, अभी जो है कि ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के नाम से जाना जा रहा है गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट में। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहाँ पर ये दिखेगा। तो पहले क्या होता था, जब हम लोग प्रोडक्ट पे करते थे, क्लिक करते थे, तो यहाँ पे जो हमारी फीड बनाई होती थी तो फीड के जस्ट बगल में ही आपको फीड रूल्स भी दिख जाते थे। बट इसमें क्या है, मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट में आपको इसको टर्न ऑन करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा, सेटिंग्स पे क्लिक करना पड़ेगा। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद में एडवांस पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, एडवांस में क्लिक करने के बाद में देखिए योर एडवांस आ रहा है एंड डिस्कवर करके एडवांस दे रहा है। तो ठीक है, योर एडवांस में दिख जाएगा कि आपने कौन कौन से एडवांस एडिट किए हुए हैं ऑलरेडी। तो आपको फीड रूल्स को इनेबल करने के लिए एडवांस डेटा सोर्स मैनेजमेंट पे आना पड़ेगा एंड यहाँ पे आके फिर आपको ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा। इसमें देखिए दिया हुआ है कि एडवांस डेटा सोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अपलोड सप्लीमेंटल डेटा सोर्सेज आर क्रिएट एट्रीब्यूट रूल्स टू मॉडिफाई योर प्रोडक्ट डेटा एंड मैच प्रोडक्ट डेटा स्पेसिफिकेशन एंड लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, कैसे करना है। एंड अभी इस पे हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि आप इसको बाद में अगर रिमूव करना चाहें तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। आप डेटा एट्रीब्यूट्स आप चाहते हैं कि नहीं यूज़ करें तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग। ठीक है, आप करना क्या पड़ेगा, हमारा यहाँ पे डेटा सोर्सेस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो डेटा सोर्सेस में हमारा अगर यहाँ पे फीड बनाया हुआ है तो फीड पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा योर एट्रीब्यूट रूल्स करके जो है कि इसका फीचर ऑन हो जाएगा। एंड यहाँ पे योर एट्रीब्यूट रूल्स पे क्लिक करके आप यहां पे देख सकते हैं कि ऐड एट्रीब्यूट रूल्स का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप के हमारे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट यहां पे दिखेंगे एंड यहां पे एट्रीब्यूट रूल्स हम लोग बना सकते हैं। जैसे अगर हमारे प्रोडक्ट का टाइटल जो है कि सारे बहुत सारे क्लाइंट ये करते हैं कि जो प्रोडक्ट का टाइटल स्टोर पर आपके सारे कैपिटलाइजेशन में होते हैं, जो बल्कि ये कैपिटलाइजेशन गूगल एड में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। सारे प्रोडक्ट के टाइटल अगर कैपिटल में होते हैं तो थोड़ा इश्यू करता है, गूगल एड में भी इश्यू करता है। आपको वहाँ पे सजेस्ट ये करता है कि आपके जो प्रोडक्ट के टाइटल्स हैं वो अपर केस एंड लोअर केस में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चाहें तो प्रोडक्ट टाइटल के रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, एंड अगर मान लीजिए आपने आपका कोई फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो बहुत सारे क्लाइंट ये करते हैं कि जेंडर प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आप जो है कि जेंडर का रूल्स आप बना सकते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट में जेंडर नहीं दिया हुआ है तो आप जो है कि जेंडर सेट कर सकते हैं, मेल फीमेल या फिर अदर्स। एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट कैटेगरी वगैरह नहीं डालते हैं, जो अलग इंफॉर्मेशन होता है वो नहीं डालते हैं। तो आप प्रोडक्ट कैटेगरी, जैसे हमको पता है कि मैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में प्रोडक्ट डील करता हूं, तो आप जो है कि प्रोडक्ट कैटेगरी आप टैक्सोनॉमी प्रोडक्ट टैक्सोनॉमी में जाकर के अपना प्रोडक्ट कैटेगरी यहां पे वो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यहां पे दिए हुए हैं। ठीक है,
वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टाइटल का भी दिया हुआ है कि आप टाइटल जो है कि रूल सेटअप कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखिए दिया हुआ है सेट टू, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको देखिए, एक मिनट, आप ऐड वैल्यू पे क्लिक करके जो है कि आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट टाइटल कैसा है तो कैसा होना चाहिए, ठीक है। ऐड मॉड्रीब्यूट मॉडिफाई एट्रीब्यूट डेटा में क्लिक करके आप जो है कि मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से फीड रूल्स का यूज़ करके आप जो प्रोडक्ट डेटा है वो इन्हांस करते हैं। एंड ये आपका एट्रीब्यूट रूल्स सिर्फ गूगल मर्चेंट सेंटर के लिए ही होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपने गूगल मर्चेंट सेंटर में डेटा अगर चेंज करते हैं या रूल सेट करते हैं तो वो बाकी सारे प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक पे आपका डेटा वहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा, या स्टोर पे जो डेटा है उसमें कुछ चेंजेस नहीं आने वाले। ये सिर्फ गूगल मर्चेंट सेंटर एंड गूगल एड्स में आपको सारे डेटा दिखेंगे जो भी आप चेंज करते हैं। तो फीड रूल्स आप इस तरीके से ऑन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको दोबारा से रिमूव करना है आपको, तो आप यहाँ पर एडवांस में दोबारा से आएंगे। एडवांस में आने के बाद योर एडवांस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी एड ऑन ऑन किए हुए हैं आप उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो फीड रूल्स गूगल मर्चेंट सेंटर में या फिर एट्रीब्यूट रूल्स गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट में आप इस तरीके से ऑन कर सकते हैं। तो ये फीड रूल्स का अमेजिंग फीचर है एंड बहुत सारे लोग इस फीचर का यूज़ करके मतलब अपने प्रोडक्ट डेटा को इतना अच्छा ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं कि उनको ना सिर्फ फ्री लिस्टिंग में अच्छी ट्रैफिक जनरेट होती है बल्कि इनके गूगल शॉपिंग में भी इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है फीड रूल्स की मदद से। तो इस तरीके से आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट में, एंड आप जो है कि प्रोडक्ट के डेटा को अगर कुछ मिसिंग है तो वो ऐड भी कर सकते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर में, एंड अगर और बेटर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको गूगल मर्चेंट स्पेशलिस्ट के रिक्वायरमेंट है तो भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड बैनर पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको गूगल मर्चेंट सेंटर की सेटअप की भी रिक्वायरमेंट है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है इसमें सेटअप करने में, एंड सस्पेंशन पे भी काम करते हैं हम, बट सस्पेंशन के केसेस अभी थोड़ा कम ले रहे हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सस्पेंड कर रहा है अकाउंट, एंड बहुत सारे लोग खुद से सेटअप करने के बाद में हमारे पास आते हैं तो वो अकाउंट इतना मेसअप हो चुका होता है ना कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए सस्पेंशन पे थोड़ा केसेस कम ले रहे हैं। बट अगर सेटअप करवाना चाहते हैं तो वो बहुत ईजिली हम लोग कर देंगे, क्योंकि सारे रूल्स हम लोग दिन रात पढ़ते रहते हैं तो एक न्यू बीज की तुलना में हम लोग को ज़्यादा नॉलेज होता है, तो इसीलिए हम लोग एक्सपर्ट करते हैं। हम लोग ये सलाह देते हैं सभी अपने क्लाइंट्स कस्टमर्स को कि आपको सेटअप करवाना हो तो किसी एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट से हमेशा सलाह लें। तो अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको गूगल एड्स, गूगल मर्चेंट सेंटर एंड डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पे रेगुलर मिलती रहेगी। थैंक यू।